And welcome to plus प्लस वन class, my dear students. स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने third chapter discovering टर्ट दशा का कंटिन्यू पूरा discuss कर लिया है उसका एक question भी हम already chapter discuss करते करते ही discuss कर चुके थे तो आज हम बाकी की exercise उसकी discuss करने वाले हैं पहला क्वेश्चन भी हम एक बार रिपीट कर ही लेते हैं किंग गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग कहते हैं निम्नलिखित चीज़ों के लिए आपने रीजन देना है कारण बताना है किंग टट्स बॉडी हैज बिन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी कहते बार बार किंग टट की बॉडी की छानबीन स्क्रूटनी क्यों की गई है बोथ द लाइफ एंड डेथ ऑफ टट हैलवेज बीन अ मिस्ट्री कहते टट का जीवन और मृत्यु दोनों ही एक मिस्ट्री एक रहस्य रहे हैं सो हिस बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी इसीलिए उसकी बॉडी जो है उसको रिपीटेडली स्क्रूटनाइज किया गया है रिवील दीज मिस्ट्रीज कहते इसीलिए बार बार स्क्रूटनाइज किया गया है उस बॉडी को टू रिवील ताकि रिवील किया जा सके रहस्योदन किया जा सके इन मिस्ट्रीज का इन रहस्यों का हॉवर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेशन वॉज रेजेंटेड कहते हॉवर्ड कार्टर की इन्वेस्टिगेशन का विरोध क्यों हुआ उसका रिजेंट क्यों किया गया हॉवर्ड कार्टर सिवियर्ड ऑलमोस्ट एवरी मेजर ज्वाइंट ऑफ द ममी क्या क्या हुआ कि हॉवर्ड कार्टर ने लगभग हर एक जॉइंट जो था मम्मी का उसको सिवियर कर दिया उसको तोड़ दिया ही ऑलमोस्ट रैंस एक्टेड उसने लगभग बर्बाद ही कर दिया उस मम्मी को सो हिज इन्वेस्टिगेशन वाज रिजेंटेड इसीलिए उसकी इन्वेस्टिगेशन को रिजेंट किया जाता है उसकी इन्वेस्टिगेशन का विरोध किया जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड कार्टर हैड टू चीजल अवे द सॉलिडिफाइड रेज टू रेज द किंग्स रिमेन्स कहते कार्टर को क्यों इस्तेमाल करना पड़ा चीजल का छेनी का उस जमे हुए रेजिन को हटाने से हटा करके के किंग के अवशेषों को उठाने के लिए मतलब उस कोफीन से किंग को हटाने के लिए उसके अवशेष को उसकी डेड बॉडी को हटाने के लिए क्यों छेनी का इस्तेमाल करना पड़ा है काटर को द रेजिस हैड सीमेंटेड द ममी कहते रेजिंस ने चिपका दिया था ममी को विथ द कोफिन कोफीन के साथ ही पक्का कर दिया था काटर कैप द मम्मी इन ब्लेजिंग सन काटर ने उस मम्मी को चमकती हुई धूप में रखा बट नथिंग चेंज्ड लेकिन कुछ भी नहीं बदला सो इसलिए काटर हैड टू यूज़ अ चीज़र इसलिए काटर को इस्तेमाल करना पड़ा एक छेनी का टू रिमूव द मम्मी उस मम्मी को वहाँ से रिमूव करने के लिए विच डैमेज इट जिसके कारण उस मम्मी को डैमेज भी हुआ नुकसान भी हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ टट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग कहते सोने से लदे हुए सोने से भरे हुए खजानों के साथ क्यों टट की बॉडी को दफनाया गया था अभी क्या कारण था इतनी धन संपदा टट की बॉडी के साथ दफनाए जाने का पीपल इन इजिप्ट इजिप्ट के लोग बिलीव बिलीव करते थे विश्वास करते थे दैट दे कुड टेक देयर रिच कि वो अपनी धन संपदा को ले जा सकते हैं फॉर देयर आफ्टर लाइफ कहाँ के लिए परलोक के लिए भी टट फ़ेरो और टट तो एक राजा था सो ही वॉज बरीड इसलिए उसे दफनाया गया अलॉन्ग विद गिलीलिए उसको खूब सारी धन सम्पदा के साथ दफनाया गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द बॉय किंग चेंज नेम फ्रॉम तुतान खातेन टू तुतान खामुन ऐसा क्यों हुआ कि बॉय किंग ने अपना नाम तूतान खातेन से बदल करके तूतान खामुन रख लिया टट रिस्टोर्ड ओल्ड ट्रेडिशंस कहते टट ने पुराने रिवाज़ों को पुनः स्थापित किया एंड वर्शिप ऑफ आमुन और आमुन की पूजा को भी पुनः स्थापित किया फिर से शुरू कराई सो ही रिमूव्ड आतेन इसलिए उसने आतेन हटा दिया फ्रॉम हिज नेम अपने नाम से एंड फिक्स्ड आमुन और आमुन फिक्स कर लिया विद इट उसके साथ एंड बिकेम तूतान खामुन और तूतान ख़ातेन से क्या बन गया वो तूतान खामुन बन गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब आखिना तेन वैकी कहते ऐसे क्या काम है उनकी सूची बनाई है जिसके कारण रे जॉनसन ने आखिना तेन को सनकी कहा है आखातेन फोर्स हिस्स पीपल टू वर्शिप आतेन कहते आखिता तेन ने क्या किया फोर्स पीपल टू वर्सिप अतन कहते अपने लोगों को फोर्स किया विवश किया टू वर्शिप अतन की वो अतन की पूजा करें एंड अटैक्ड अमुन और उसके साथ उसने क्या किया अमुन को अटैक किया ही स्मैश द आइडल्स आइडल्स मूर्तियां एंड टेम्पल्स ऑफ अमुन उसने क्या किया अमुन की मूर्तियों और मंदिरों को अटैक किया तोड़ दिया सो इसलिए रे जॉनसन डिस्क्राइब्स आखिना 3 एसवे की इसीलिए रे जॉनसन आखिना 10 को सन की कहते हैं व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ सीटी स्कैन कहते सीटी स्कैन के क्या रिजल्ट्स निकल कर आए क्या, क्या परिणाम निकल कर के आए हैं द मम्मी वाज स्कैंड फ्रॉम हेड टू टो कहते वो जो मम्मी था उसको सर से लेकर के पांव तक तो स्कैन किया गया इट रिवील्ड उसने दर्शाया स्टार्टलिंग फैक्ट्स बड़े हैरान कर देने वाले फैक्ट्स द ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स ऑफ टट वह उसकी ब्रेस्ट बोन छाती की हड्डी और फ्रंट रिब्स और सामने की पसलियां जो थी टट की गायब थी क्वेश्चन नंबर थर्ड लिस्ट द एडवांसिस इन टेक्नोलॉजी दैट हैूव फोरेंसिक एनालिसिस मतलब टेक्नोलॉजी uh, में क्या क्या चेंजेस आई हैं जिसके कारण फोरेंसिक एनालिसिस जो अपराध से संबंधित विश्लेषण होता है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आया है द टेक्नोलॉजी हैज़ मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस कहते टेक्नोलॉजी ने बहुत प्रगति की है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते कंप्यूटेड टोमोग्राफी टोमोग्राफी में आपको पहले भी बता चुकी हूँ एक्सरे के ज़रिए सी स्कैन के ज़रिए जो तस्वीरें लेने की वैज्ञानिक कार्य होता है उसको टोमोग्राफी टोमोग्राफी कहते हैं कहते हैं कंप्यूटराइज टोमोग्राफी के जरिए वर्चुअल थ्री डायमेंशनल बॉडी कैन बी क्रिएटेड कहते हैं वास्तविक थ्री डायमेंशनल शरीर का निर्माण किया जा सकता है बोलने का क्या मतलब है कि इस तरह से किसी शरीर का निर्माण किया जा सकता है कि आपको आपकी आंखों के सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर बिल्कुल जीवंत महसूस हो व्यक्ति वो किस चीज के कारण पॉसिबल है कंप्यूटेड टोमोग्राफी के जरिए फोर्थ एक्सप्लेन द स्टेटमेंट कहते इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू भी स्कैंड कहते किंग टट जो है वो शुरू में जो ममीज स्कैन किए गए उनमें से एक हैं इन डेथ हैज इन लाइफ कहते मृत्यु के बाद भी बिल्कुल वैसे ही रहा है जैसे जीवन में था टट किंग टट वॉज द फैरो ऑफ़ इजिप्ट कहते किंग टट जो है वो राजा था इजिप्ट का ड्यूरिंग हिज लाइफ अपने जीवन के दौरान ही रूल्ड पीपल उसने लोगों के ऊपर शासन किया बट इवन आफ्टर डेथ लेकिन मरने के बाद भी ही लेड अदर्स उसने बाकियों का नेतृत्व किया एज हिज मम्मी वॉज द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैंड क्यों क्योंकि उसी का मम्मी जो मम्मी था जिसको सबसे पहले स्कैन किया गया था अब ऐसे टाइप क्वेश्चन में आपको इस चैप्टर से बनता है कि या तो आप टट के ऊपर कोई नोट लिखें या आपको टट के बारे में क्या जानकारी हुई है पावरफुल तो फैमिली कहते एक बड़े शक्तिशाली परिवार का आखिरी वंशज था टट फैमिली रूल्ड ओवर इजिप्ट उसके परिवार ने इजिप्ट पर शासन किया फॉर सेंचुरीज शताब्दियों तक टट रूल ओवर इजिप्ट टट ने भी इजिप्ट के ऊपर शासन किया फॉर नाइन ईयर्स नौ साल तक ही रिस्टोर्ड ओल्ड ट्रेडिशन उसने रिस्टोर किए पुनः स्थापित किए पुराने रिवाज एंड ऑल्सो रिस्टार्टिड द वर्शिप ऑफ आमुन और उसी के साथ उसने आमुन की पूजा भी शुरू कराई ही इवन चेंज हिज नेम फ्रॉम तूतान खाते टू तूतान खामुन यहाँ तक कि उसने अपना नाम तूतान खातिन से बदल करके तूतान खामुन कर दिया देन अनएक्सपेक्टेडली तब बड़े अन अपेक्षित ढंग से डाइड ऐट द एज ऑफ सेवनटीन ही डाइड ऐट द एज ऑफ सेवनटीन कहते तब बड़े अन अपेक्षित ढंग से वो मर गया एट द एज ऑफ सेवनटीन सत्रह साल की उम्र में ही वॉज बरीड अलॉन्ग विद गिलडेड ट्रेजर कहते उसको गिलडेड ट्रेजर के साथ दफनाया गया कहते उसे गिल्ड ट्रेजर के साथ सोने चांदी के खजाने के साथ इसलिए दफनाया गया था एज इट वॉज बिलीव्ड क्योंकि बिलीव किया जाता था विश्वास किया जाता था इन एंशंट इजिप्ट प्राचीन इजिप्ट में दैट वन कुड टेक हिज रिच फॉर हिज आफ्टर लाइफ की एक व्यक्ति जो है वो अपने परलोक भी अपने इस मृत्यु के बाद भी अगले जीवन काल के लिए भी अपनी धन संपदा को ले जा सकता है अदर थिंग्स बर्ड अलॉन्ग विद हिम गेव अ क्लू दैट ही वॉज बरीड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल अन्य चीजें जो उसके साथ दफनाई गई थी वो ये क्लू देती थी कि उसे मार्च या अप्रैल के महीने में ही दफनाया गया होगा हिज मम्मी वॉज द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैंड कहते उसका मम्मी जो था वो पहला मम्मी था जिसकी स्कैनिंग हुई थी द स्कैन रिवील्ड वो जो स्कैन scan, स्कैनिंग थी वो रिवील करती है दैट हिज़ ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग की टटकी छाती की हड्डी और सामने वाली पसलियाँ गायब थी हॉवर्ड कार्टर डिस्कवर्ड हिज टॉम्ब इन 1922 ट्वेंटी टू कहते हॉवर्ड कार्टर ने उसकी मकबरे की खोज 1922 में की थी बोथ हिज लाइफ एंड डेथ आर फुल ऑफ मिस्ट्री कहते टट की जो जीवन और मृत्यु है दोनों ही भरी हुई हैं रहस्य से इसी के साथ आपका इस चैप्टर की ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है थैंक यू